ওই দিক থেকে আরে আমি জানতাম না তো इस वीडियो चालू करने से पहले मैं तुम सबको बताना चाहूंगा इस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय M19 प्लस जैसे कि देख सकते हो वेरी स्टाइलिश वेरी सेक्सी जेन्युइनली में तुम लोग M19 को चैलेंज करना चाहते हो तो कर सकते हो 100% प्योर लेदर इसका टैगलाइन ही है पहली बार M19 प्लस इंडिया में लॉन्च किया गया है M19 प्लस इज इंडियन लग्जरी लेदर बैग ब्रांड तो गाइस जैसे कि देख सकते हो मैंने बाहर भी बताया था इधर भी बता रहा हूँ चेन का क्वालिटी का मजा आता भाई बात जितना बार करता हूँ ये सब मजा M19 प्लस दावा करते हैं कि जेन्युइनिटी में M19 प्लस को अगर कोई हरा सकता है कोई प्रूफ कर सकता है कि दिस इज नॉट अ जेन्युइन रियल लेदर को उसी मॉडल का 10 बैग फ्री उसके साथ 10,000 रुपये फ्री अमेजोन फ्लिपकार्ट स्नैपडील हर जगह तुम लोग को मिल जाएगी तो गो एंड शॉपिंग M19 प्लस बैग यंगर लुकिंग बैग जैसे कि देख सकते हो और सबसे बड़ी बात M19 प्लस तुमको देता है वारंटी इस लेदर क्वालिटी का बैग अगर तुम लोग खरीदने जाओगे नॉर्मल इंडिया में लोग चार्ज करते हैं 15,000 से 16,000 रुपये बट M19 प्लस 4,000 से 5,000 रुपये चार्ज करते हैं तुमसे गो एंड शॉपिंग डिस्क्रिप्शन में सेकंड लिंक आ रहा होगा कमेंट सेक्शन में पहला लिंक डाल दूंगा तुम लोग जाके खरीद सकते हो और एक चीज मैं तुम लोगों को रिकमेंड करना चाहूंगा M19 का बैग्स तुम लोग कैश करोगे थ्रू अपने कोई भी पसंदीदा रिटेलर जैसे कि अमेजोन फ्लिपकार्ट या फिर स्नैपडील कैश करोगे थ्रू तो तुम लोगों को मिलेगा कैश बैग कैश करो यूज कर सकते हो तो क्या जाओ कैश करके थ्रू M19 प्लस के बैग खरीदो या फिर डायरेक्ट खरीदो वट एवर ग्रैब दिस थिंग्स कतई जहर चीजें भाई जाओ चालू करो डर लग रहा है रहो बेफिक्र जियो जी फिक्र स्वागत करता हूँ तुम सबका और अबे लाइट कमाओ आयो वही सब इसका स्वागत करता हूँ तुम सबका और एक नया वीडियो में टाइटल ट्रेलर और थंबनेल गले को लेके जज नहीं करने का गला हुआ है तुम्हारा भाई का बैठा हुआ मतलब जमीन पे पूरा बैठ चुका है आज हम लोग जो करने वाले हैं वीडियो को एंजॉय करने का है भाई थोड़ा सा डरा हुआ वो मोमेंट सोचो जब तुम अपनी गर्लफ्रेंड को अपने मम्मी से मिला दो मम्मी को तो मैं ये बोल नहीं सकता हूँ आपको बुलाना पड़ेगा या आपको क्या लगता है क्या होने वाला है क्या मैं खत्म होने वाला हूँ ऑन द स्पॉट खत्म नहीं होंगे अच्छा मम्मी को मैं ये नहीं बोल सकता हूँ शीज माई गर्लफ्रेंड उसको मैं बोल सकता हूँ गणेश खास दोस्त तो मम्मी को तो कोई भी ये नहीं बोल सकता कि वो तुम्हारा गर्लफ्रेंड है ये मेरी दोस्त है हम लोग फ्रेंड है और बहुत अच्छी फ्रेंड है मम्मी को पता है एक तुम सबको बता दूँ थोड़ा सा दिल में भी डर है लेकिन एक चीज मैं सबसे पहले क्लियर करना चाहता हूँ गाइस देखो बात ऐसा है फेसबुक पे अगर तुम लोग मुझे फॉलो नहीं कर रहे हो सबसे इम्पोर्टेंट चीज तुम लोग बहुत कुछ मिस करो फर्स्ट ऑफ ऑल सेकेंड ऑफ ऑल मैं अपने बाल को ऐसे पकड़ के तुमसे बात कर रहा हूँ इसके लिए भी ये भी मेहनत लगता है फेसबुक पे फॉलो करो और सेकंड चैनल को अभी तक हिंदी ब्लॉगिंग चैनल को बस अभी अगर सब्सक्राइब नहीं किया है इस इज फॉर लाइफ यार 20,000 सब्सक्राइबर का टारगेट रखा है चलो ना तुम्हारा ना मेरा 15,000 सब्सक्राइबर होगा तो हम लोग उसमें वीडियो डालना चालू करेंगे पहला वीडियो डालेंगे मेरी गाड़ी का कौन सी गाड़ी मैं ले रहा हूँ उस गाड़ी का व्लॉग अभी से बोल दे रहा हूँ सस्पेंस रखने की जरूरत नहीं है तो कौन सा वीडियो डालूंगा वो भी मैंने बोल दिया है तो सबसे पहले जाओ सब्सक्राइब करो फेसबुक पे फॉलो करो इंस्टा पे फॉलो करो भाई का फॉलोअर्स बढ़ाओ लोग बोलते हैं तुम्हारा भाई का फॉलोअर्स नहीं है क्या कर रहे हो मतलब कुछ भी तो सबसे पहले मैं तुम सबको बता दूं इससे पहले प्रिया और मम्मी पहले कभी नहीं मिली तो दिस इज द फर्स्ट टाइम वो दोनों एक साथ मिलने वाले और सबसे बड़ी बात मैं तुम सबको बता दूं किसी को भी कुछ भी मालूम नहीं है कि आज क्या होने वाला मम्मी को भी बोला है और प्रिया को भी बोला कि ये जगह जाने वाले प्रिया के लिए भी सरप्राइज है मम्मी के लिए सरप्राइज है मुझे कोई भी आइडिया नहीं है कि आज क्या होने वाला है और ऐसा भी हो सकता है कि मैं मर जाऊँ तो मेरे आत्मा के लिए प्रे करना है और सबसे बड़ी बात गाइस इसका बिहाइंड द सीन इसके पीछे हम लोग बहुत कुछ बातचीत करने वाले हैं वो चीज़ें देखने के लिए फेसबुक इंस्टा और मेरे सेकंड चैनल जो कि है SS फॉर लाइव उसको सब्सक्राइब करो और इन सब जगह पे मुझे फॉलो करने और बाहर ज्यादा ही गर्मी है लेकिन एनीवेज गाइस चलो इधर से निकलते हैं और कितना बज रहा भाई गाए इधर वो मोमेंट तुमको समझ में आ रहा है जब मम्मी वो उससे मिलेगी अच्छा कैसे करेंगे कैसे वो अच्छा पहले एक कर सकते हैं पहले क्या हूँ अच्छा ठीक है बताओ तो हम लोग पहले ये कर सकते तो तुम ही बता अच्छा बताओ ये बात
भाई इस कोटा का दरवाजा बहुत ज्यादा भारी है। तो गाइस चलो जैसे निकलते हैं, लेकिन निकलने से पहले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दुनिया में क्या है बताओ भाई। एक्चुअली तुम सबको एक सीरियस नोट पे मैं तुम सबको बता दूं, आज तुम जाकर के फेसबुक पे सर्च करो कैन बी लाइफस्टाइल, तुमको हजारों प्रोफाइल दिखेगी। आज तुम इंस्टा पे जाके सर्च करो कैन बी लाइफस्टाइल, तुमको हजारों प्रोफाइल दिखेगी। तो लोग कंफ्यूज होते हैं यार, तो यार फॉलो किया करो, फॉलो करने से तुम्हारा कुछ जाता नहीं है, मेरा भी कुछ आता नहीं है, बस क्या होता है तुमको जानने में आसानी होता है कि भाई का असली प्रोफाइल कौन सा है। और सबसे बड़ी बात और एक चीज़ ज़िंदगी में इंपॉर्टेंट है, वो है खाना। खाने के बिना मैं कुछ नहीं करूँगा, जैसे जाते थोड़ा बहुत कुछ खाते उसके बाद ही हम लोग आगे बढ़ते। चलो तो गाइस चलो, ज़िंदगी में जो इम्पोर्टेंट है पहला उसको करेगा। बैठो यार, बैठो भाई। तो गाइस ज़िंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट है खाना, और खाने के लिए इम्पोर्टेंट है पैसा। पैसा है, अरे रुको यार, इसी बीता पैसा है, टाइम है, तो भैया खा लेना इम्पोर्टेंट है। गाइस मैं थोड़ा सा नर्वस हूँ, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा ही नर्वस हूँ। गाड़ी घुमा लेते हैं, मैं धीरे धीरे ही गाड़ी चला रहा हूँ। गाइस मैं एक्चुअली कभी भी ज़्यादा ज़ोर से गाड़ी चलाता ही नहीं हूँ। 100-150 अगर मैं कभी भी एक्सप्रेस हाईवे जाता हूँ तब 120 भी हाईवे में सर्टेन टाइम के लिए स्पीड मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है हाईवे में, क्योंकि ओवर स्पीडिंग के लिए बहुत एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। ये देखो अभी चूतिया दे, क्या बताओ यार। नहीं एक्चुअली मैं तुम सबको बता दूँ, जिंदगी में जिंदा रहोगे तो जोर से चलाओगे, है ना। इसलिए बकचोदी कम करो और जिंदा रहो। भाई मैं ये सोच रहा हूँ कि उन लोगों को लेकर के आ जाए, पिक कर लेते हैं ठीक है, उसके बाद थोड़ा उन लोगों को घुलने मिलने देते हैं, थोड़ा बातचीत करी। मेरे को तो डर लग रहा भाई, मम्मी बात करेगी कि नहीं। तुम बोल रहे हो खुलने मिल, दोस्त है क्या, मम्मी हो गए मेरी। चलो प्रिया का कुछ नहीं है, प्रिया तो ये कर लेगी, लेकिन मम्मी अगर गुस्सा हो गई तो। ये फॉरेन नहीं है भाई, अपने गर्लफ्रेंड को घर पे लेके आओ तुम। इंडिया जूते पड़ते हैं जूते, वो भी तो मैं रिस्क ले रहा हूँ आज। गाइस एक प्रॉब्लम हो गया था, मतलब मैं तुम सबको बता दूं, किस्मत इतना अच्छा है हमारा, मैंने रिकॉर्ड किया माइक में, अभी हो रहा है ना, हाँ अभी हो रहा है। गाइस मैंने रिकॉर्ड किया, मम्मी को कॉल किया, प्रिया को कॉल किया, मैंने सबको बुलाया, इधर सामने बुलाया, और वो साउंड ही नहीं आया। और एक्चुअली गाइस अभी क्या बोल रहा है, अभी क्या बोल रहा है, अभी मम्मी को ये बोलूंगा कि यार अभी हम लोग थोड़ा सा घूमने चलेंगे, सबसे पहले मम्मी को पिक करते हैं। भाई तुम सबको बता दो, मतलब तुम सब समझ सकते हो फीलिंग्स, मतलब जब मम्मी से मिला तो फटती है भाई, लिटरली मेरी भी फट रही है, चिल्ला चिल्ला के मैं ये बोल सकता हूँ, फटती है भाई। सबसे मुश्किल काम गाइस, मैंने इतने सारे प्रैंक करा, इतने सारा वीडियो करा, कभी भी मेरा इतना नहीं फटा जो आज मेरा फट रहा है। तो चलो गाइस एक्चुअली मम्मी को पिक कर लेता हूँ। हेलो, हाँ मुझे पाक्षी सामने से क्या जो उससे बेटर सरप्राइज है भैया। भाई इतना ज्यादा पकाती है ना यार, क्या बताऊं यार, गर्लफ्रेंड लोग होती है लोग, मम्मी को पकड़ ले। बचो बचो, आज का तो सेजे गुजे का ना इतना शादी बना है, शादी बना क्या ना कोई शादी। तो भाई अभी हम लोग जा रहे हैं, थोड़ा सा मेरी मम्मी को देख लो, सभी रास्ते में मिलोगे तो सब सेल्फी लेना ठीक है। वही देखते कर, वही देखते कर। अरे সত্যি ঠিক আছে, চলো টাটা, খুব ভালো লাগলো, সব ভিডিও দেখো, আই লাভ ইউ, চলো টাটা।
দেখে যা মা তোমার ছেলে কথা ভালোবাসা সবাই ওমা ও চুপি আমার বান্ধবী আমার মাকে কি কিউট লাগছে দেখো মম্মি কো দেখো বল তোর ব্যাপারে কিছু থেকে আচ্ছা ঠিক আছে চলো চিমটি কাটতে গেলে আগে সেটা বলো চিমটি কেটে কেটে খুঁটো করে দিলে চুপচাপ খামোশি কা মশা মেয়াদে ছায়া হয়ে গড়িয়াটে যাচ্ছি বাড়িকে মারবে না তুমি বাবু আর কি আছে भाई अपने गर्लफ्रेंड को मम्मी के साथ जब मिलाते हो ना ऐसा ही कुछ होता है चलो इस यात्रा में अगर मैं बच जाऊँ तो मिलूंगा तुम लोगों से जूते पड़ेंगे मेरे इसके बाद आपका जर्नी आप खुद कीजिए ओ भाई मास्क मास्क इज मैंडेटरी ओए तो बस एला तो भी रहा हेलो कलर कौन है ब्लू कलर इनको कलर ऑप्शन भी चाहिए येलो की वॉलेट के मास्क पर ले लो ले लो वॉलेट को भी मास्क पहना रहे अरे यार ये तो ढक गया पूरा ये चाहिए होती लाइट आ जाए तो लेस आई होप यू डोंट माइंड इफ यू डोंट माइंड इफ यू डोंट माइंड स्कूल शूज तुम्हारा बेटा বড় মজা কি আমার মাল না হলে गाइस एक्चुअली मेरे पापा को भी ये हो रहा है पापा भी डेली शूट पे जा रहे हैं के लिए शूट पे जितना आराम अच्छा मामा वो आराम कर रहे हैं कंप्यूटर पूरे स्पैंडेक्स अच्छे ना तो सेटिंग का कुछ सॉफ्ट ना पूरे ना नहीं पाए लगे अपनी पूरे तक उतरे तो अपनी ना अपनी तो बूझ जाओगे पाए लगे नेक्स्ट वीक तुम लूज हो गए ना पूरे मुझे मतलब पाए काम नहीं था अच्छा अरे दी दो ना दी जाओ तो बोल তুমি প্রথমে কোন জুতোটা নিয়েছিল দাদা এটাই নিলাম কোনটা নিয়েছিল দাদা मैंने ये चॉइस करा है तो वही छुपा के हम लोग वीडियो कर रहे हैं इधर वीडियो करना अलाउड नहीं है इधर मोबाइल से वीडियो कर सकते हैं लेकिन कैमरा से नहीं तो मैंने ये चॉइस करा है चावल बिस्किट बनी जी गाइस फोन से कर सकते हैं लेकिन कैमरा से नहीं ना कर बैक कर दे गाइस आई तो हिल वाला देखती
बड़ा हो तो জুতোর বোনেট লম্বা নরম আছে স্লিপ করবে না তো শপিং ডান লেটস গো কিতনে জুতে লিয়ে মম্মি আর ইয়ে ইয়ে মম্মি কে জুতে পাপা কে জুতে আর মেরে লিয়ে কুছ ভি নে ঠেঙ্গা চলো এসো সো এসো তো গাইস চলো চলতে হবে মম্মি কো ছোড়েঙ্গে রিয়া কো ভি ছোড়েঙ্গে আর হাম লোগ জায়েঙ্গে অফিস। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही है, होप आप लोग आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। गाइस फटती है सबकी फटती है यार, अब जब ऐसा कुछ करते हो। बाय द वे इंडियन फैमिली है, एट द एंड ऑफ द डे मुझे लगा नहीं थी मम्मी इतना कंफर्टेबल होगी, लेकिन ठीक है चलो मजा आ गया। एक्चुअली मैं सबसे बड़ा बात मैं तुम सबको बता दूँ, दोनों ही बहुत अच्छे हैं और दोनों ही एक दूसरे से कल बातचीत कर रहे थे, मैं शॉपिंग पे भी लेके गया, बहुत अच्छा लगा। ऐसा मोमेंट हर एक को अपने लाइफ में लाना कि जब अपने मम्मी से अपने अपने गर्लफ्रेंड को मिला तो वो तो अच्छा ही लगता है। तो गाइस आई होप तुम सबको देखते हैं मज़ा आएगा, और अगर मज़ा आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके मुझे बताओ तुम लोगों को कैसा लगा। और अभी तक अगर तुम लोगों ने M19+ से शॉपिंग नहीं किया है तो जाओ M19+ से शॉपिंग करो अमेजोन फ्लिपकार्ट कैश के थ्रू। एक सबसे बड़ी बात, अगर तुम लोगों ने अभी तक मुझे फेसबुक इंस्टा और सेकेंड चैनल पे सब्सक्राइब नहीं कराएगा, ऑल दिस माई सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो मी दिया। इतना ही, मिलता हूँ तुम्हें सब परसों और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी बी।